The story goes like this. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susanna 7, and I set sail from Plymouth, England. यानी नरेटर जो है वो स्वयं कहानी को नरेट कर रहा है, इसका एक पात्र जो है वो स्वयं कहानी को नरेट कर रहा है. एंड ही सेज कि इन जुलाई 1976, आज से लगभग 45 साल पुरानी घटना का जिक्र करता है वो, और कहता है मैं अपनी पत्नी जिसका नाम मैरी था, सन जोनाथन जो 6 साल का था, डॉटर सुजाने जो 7 साल की थी, उसके साथ हम लोग प्लाईमाउथ इंग्लैंड से रवाना होते हैं. याद रखेंगे बेटी 1 वर्ष बड़ी है. अच्छा एक चीज़ और देखें, आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अगो बाय कैप्टन जेम्स कुक. द राइटर द नरेटर सेज कि हमने इस तारीख को अपने परिवार के इन सदस्यों के साथ प्लाईमाउथ से इंग्लैंड से यात्रा शुरू की, और उस यात्रा की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली, टू डुप्लीकेट द राउंड वर्ल्ड वॉयज, जो मैंने बताया आपको पूर्व में कि जेम्स कुक ने दुनिया की परिक्रमा की थी जहाज से, राउंड वर्ल्ड वॉयज. वॉयज यानी यात्रा, समुद्री यात्रा, वॉयज यानी समुद्री यात्रा. तो जो जेम्स कुक ने 200 साल पहले जो समुद्री यात्रा की थी, उसकी याद में मानो एक तरीके से हमने ये यात्रा की योजना बनाई और निकल पड़े. कब? जुलाई 76 में. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत लंबे समय से. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मतलब बहुत सबसे लंबे समय से हम लोग योजना बना रहे थे. हम लोग मतलब कौन? मैरी एंड आई. जहाँ पर एक बात आपको सीखनी है कि पहले दूसरे को संबोधित करते हैं, आई एंड मैरी नहीं कहा है ऑथर ने. यहाँ ये सीखने की चीज़ है कि पहले यू एंड मी होता है, पहले मी एंड यू नहीं बोलते अंग्रेजी में, आई एंड यू नहीं बोलते, यू एंड आई बोलते हैं. सो ये आपके लिए सीखने की चीज़ है. यू मस्ट लर्न दैट द नरेटर सेज मैरी एंड आई, मेरी वाइफ और मैं. और मैं कौन हूँ? फिर वो अपना परिचय देता है. मैं यानी 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, एक व्यापारी, 37 साल का मैं एक व्यापारी, अपनी पत्नी के साथ निकल. हम लोगों ने एक सपना देखा था, वी हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर. वी हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. सेल करना मतलब सेट सेल ऊपर आया है. एंड आई सेट सेल, सेट सेल मतलब समुद्री यात्रा पर निकलना. टू सेट सेल मतलब समुद्री यात्रा पर निकलना. वी हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर. एक्सप्लोरर मतलब क्या है? एक्सप्लोरर का अर्थ है अन्वेषक, एक्सप्लोरर का अर्थ है खोजी. एक्सप्लोर करना यानी खोजना, संभावनाएं पता लगाना. टू एक्सप्लोर माने संभावनाएं पता लगाना, और एक्सप्लोरर यानी संभावनाएं पता लगाने वाला, अन्वेषक, अन्वेषण करने वाला, खोज करने वाला, उसे कहते हैं एक्सप्लोरर. कौन था एक्सप्लोरर इस कहानी के अनुसार? जेम्स कुक, फेमस एक्सप्लोरर, प्रसिद्ध जो खोजी था जेम्स कुक, जिसने 200 साल पहले यात्रा की थी. हमने बहुत समय से सपना देखा था, लेखक कह रहा है, नरेटर कह रहा है, हमने बहुत समय से सपना देखा था कि हम लोग, बल्कि पिछले 16 साल से सपना देखा था कि हम लोग जेम्स कुक जैसी एक यात्रा दुनिया की करेंगे. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, सी द वर्ड, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग.
ड्रीम्ड किससे बना है? ये एक्चुअली ड्रेम्ट है उच्चारण, ड्रीम से बना है। टू ड्रीम माने सपना देखना, ड्रीम ड्रेम्ट ड्रेम्ट। तो बहुत लंबे समय से मैंने और मैरी ने सपना देखा था, मैरी और मैंने सपना देखा था कि हम लोग एक समुद्री यात्रा जेम्स कुक जैसी करेंगे, जो एक प्रसिद्ध अन्वेषक था। एंड फॉर द लास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम, और इस सपने के कारण पिछले 16 साल से हम लोगों ने अपना जो आनंद का समय होता है, आनंद का समय, लेजर मतलब आनंद, आनंद का समय, लेजर मतलब आनंद का समय, देखिए LEISURE, लेजर, आनंद के समय। गत 16 वर्षों से हमने इस आनंद के, अपने आनंद के समय को, यानी अपनी ड्यूटी के बाद के समय को, अपने कार्यालयीन कार्यों के बाद के समय को, जब भी हम खाली हुए हमने क्या किया, वी स्पेंट अवर टाइम होनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर। वी स्पेंड टाइम इन होनिंग अवर स्किल, होन करना यानी HONE, टू होन मतलब तराशना, टू होन मतलब तराशना, अपने कौशल को बढ़ाना, तराशना कहते हैं ना, एक कारीगर जो है वो हीरे को तराशता है, सो होनिंग द डायमंड, तो अपनी कला को तराशना, यानी उस कला को बारीकी से और अच्छे से करना। सो वी स्पेंट अवर टाइम इन होनिंग अवर स्किल, हमने अपने 16 साल किस में गुजारे, अपनी इस कला को, कौन सी कला को, समुद्री यात्रा करने की कला को, सी फेयरिंग स्किल, समुद्री यात्रा, सी यानी समुद्र, फेयर माने यात्रा, सी फेयरिंग स्किल, समुद्री यात्रा के कौशल को हमने गत 16 वर्षों में बढ़ाया, मजबूत किया। किस लिए? जेम्स कुक जैसी एक दुनिया के परिक्रमा की यात्रा की उम्मीद में हमने ऐसा किया। और कहाँ किया? ब्रिटिश वाटर्स में, यानी इंग्लैंड, जो आपने देखा इंग्लैंड के आसपास की जो जमीन, समुद्र है वो ब्रिटिश वाटर्स कहलाता है। तो यानी प्लाईमाउथ में हम रहते थे, और वहाँ से गत बहुत वर्षों से, 16 वर्षों से अपना सारा समय, खाली समय हमने समुद्र की यात्रा में अपना कौशल बढ़ाने में लगा दिया, और इसमें मेरी पत्नी भी पूरी तरह शामिल थी। टू होन माने मैंने बता दिया अपना कौशल बढ़ाना, सी फेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर, आवर बोट, वेव वॉकर, बोट का नाम क्या है, जो जहाज था उसका नाम था वेव वॉकर, वेव यानि तरंग, वॉक माने चलना, और वॉकर यानि जिससे चला जाए, वेव वॉकर, समुद्र में चलने वाला। तो जहाज का उसने नाम दिया समुद्र में चलने वाला, अंग्रेजी में उसे दिया नाम वेव वॉकर। तो वेव वॉकर क्या है, जहाज का नाम है। आवर बोट वेव वॉकर ए 23 meter 30 ton वुडन हल्ड ब्यूटी। 23 meter मतलब क्या होता है, लंबाई, जहाज की लंबाई कितनी थी, 1 meter में औसतन 3 feet होते हैं, यहाँ पे 23 meter बता रहा है, तो लगभग हम यदि माने तो करीब 72 feet, 72 feet लंबा जहाज, बोट, शिप नहीं है ये बोट है, 72 feet लंबा बोट। 72 feet का अर्थ क्या होता है, आप में से बहुत से लोगों को समझने की ज़रूरत है कि 20 feet यानी क्या ऊंचाई। तो यदि हम 72 feet की बात करें तो 72 feet यानी होता है करीब करीब 6 मंजिला मकान। एक 6 मंजिला मकान को आप लटा दीजिए तो उसकी जो लंबाई होगी जहाज की, वो लंबाई थी ये शिप की, ये बोट की ये लंबाई थी, और 30 ton इसका वजन था। वजन को किस में नापते हैं, टन में। वुडन हर्ल्ड ब्यूटी, ब्यूटी का अर्थ है बहुत सुंदर था ये जहाज, और वुडन हर्ल्ड मतलब जो जहाज है, आप देखेंगे जहाज के नीचे का हिस्सा एक लकड़ी से बना होता है, भारी लकड़ी से, वो वुडन था।
वो कई अलग अलग चीज़ों से बनता है, पर ये वाला जो जहाज़ था, ये वाली जो नौका थी, वुडन थी, वुडन हल। नीचे के हिस्से को हल कहते हैं, HULL। तो वुडन हल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। नैरेटर का कहना है, मैरी के हस्बैंड का, जो बिजनेसमैन था, 37 साल का था, उसका कहना है कि वे वाटर जो बोट थी वो 72 फीट लंबी थी, 30 टन था वजन, और नीचे का हिस्सा जो वुडन था, बड़ी सुंदर दिखती थी मेरी बोट। उसको हमने बड़े प्रोफेशनल तरीके से, व्यावसायिक तरीके से, बहुत सोच समझ कर, पूरे कौशल के साथ बनाया था। और उस जहाज में, उस बोट पे हमने कई महीने गुजारे थे उसको ठीक ठाक करने में, जोड़ तोड़ करने में, फिटिंग इट आउट। फिटिंग इट आउट मतलब यात्रा के लिए तैयार करने में, जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ उस बोट में लगनी थी, लगानी थी, वो हम लगाते गए, महीनों लग गए उसमें। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। मौसम, वेदर यानी मौसम, मौसम ख़राब है तो उसको क्या बोलते हैं, बैड वेदर, और उसको साथ ही रफ़ वेदर भी बोलते हैं, RUGH, रफ। रफ़ कॉपी आप बोलते हैं ना, रफ़ कॉपी, तो रफ़ कॉपी में रफ़ की स्पेलिंग क्या है, RUGH। तो रफेस्ट वेदर मतलब बहुत ख़राब मौसम, रफ़ मतलब ख़राब भी होता है। योर लैंग्वेज इज़ वेरी रफ, तुम्हारी भाषा जो है वो बड़ी कच्ची है, बड़ी ख़राब है। यहाँ पर रफ का मतलब होता है बहुत ख़राब मौसम, और ख़राब मौसम में हमने टेस्टिंग क्यों की, ताकि जब हम वास्तव में अपनी लंबी यात्रा में, जिसका हमने सपना इतने साल से देखा है, उस पर जब हम निकलेंगे तो हमारा जहाज को अच्छी तरह हम परख लें कि वो इस मजबूती से सह सकता है कि नहीं। हम लोग भी सीख लें कि जहाज को जो मौसम, ख़राब मौसम में कैसे चलाते हैं, बोट को कैसे बचाते हैं, बोट का रास्ता कैसे निकालते हैं। सो एंड फॉर द लास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑलमोस्ट ऑल अवर लेजर टाइम होनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। ठीक, अवर बोट वेव वॉकर वॉज प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी वर टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट ऑफ द वेदर वी कुड फाइंड मतलब खोजना नहीं, फाइंड मतलब पाना। सबसे ख़राब मौसम भी में हमने कोशिश की कि हम सीखें। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लेजेंटली। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी पास्ड प्रेजेंटली। लेग मतलब पैर है ना, लेग मतलब पैर, पर यहाँ पर लेग का दूसरा अर्थ है, यहाँ पर लेग का अर्थ है चरण, पड़ाव, दूसरे पड़ाव में, पहले पड़ाव में, पहले चरण में। तो चरण, प्लान्ड यानी योजना, प्लान से बना है योजना, प्लानिंग, प्लान। और पास्ड मतलब गुजरना, पास का एक अर्थ है उत्तीर्ण होना, पास होना जिसको आप बोलते हैं, और पास्ड का एक अर्थ है गुजरना। यू पास्ड मी बाय, तुम मेरे बाजू से गुजरे। द टाइम हैज़ पास्ड, समय गुजर गया है, समय उत्तीर्ण हो गया है नहीं बोलते, समय गुजर गया है। द टाइम हैज़ पास्ड। सो यहाँ पर जो हमारी यात्रा का जो पहला चरण था, कौन सी यात्रा का, प्लाईमाउथ से जो हमने यात्रा तय की थी, सोची थी, जिसकी कुल लंबाई 1,05,000 किलोमीटर की होगी, 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा 1976 में सोची गई, और उस यात्रा को पूरा करने में नैरेटर का कहना है 3 वर्ष लगते, यानी हमारी ये यात्रा 3 वर्ष की योजना थी। 3 वर्ष में हमें ये पूरी दुनिया को सरकमवेंट करना था, पूरी दुनिया को घूमना था, चारों तरफ परिक्रमा करनी थी। सो पहले चरण में हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई, जर्नी पास्ड प्लेजेंटली, प्लेजेंटली मतलब खुशी खुशी, कोई विशेष दिक्कत नहीं आई।
यात्रा के पहले चरण में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। वह यात्रा कितनी लंबी थी? कुल लंबाई थी 105,000 किलोमीटर। कुल यात्रा का समय था 3 वर्ष। तो जो पहला जो चरण था यात्रा का, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, हम प्लायमाउथ से निकले। नक्शे में मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए, फिर प्लायमाउथ से निकल के कैसे यात्रा करते हुए ये परिवार केप टाउन आता है। और केप टाउन कहाँ है? अफ्रीका के दक्षिण में। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, कोस्ट माने किनारा, कोस्ट यानी किनारा, वेस्ट कोस्ट माने पश्चिमी किनारा। किसका पश्चिमी किनारा? अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से यात्रा करते हुए वी केम डाउन। सेल करना मतलब जहाज चलाना, बोट चलाना, समुद्र में चलाना, सेलिंग, सेल में टू सेट सेल मतलब यात्रा, जहाजी यात्रा। शुरू में मैंने बताया सेट सेल जहाजी यात्रा। यहाँ पे फिर यही बात आती है कि वी केम डाउन टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू ए प्लेस कॉल्ड केप टाउन। यानी प्लायमाउथ से केप टाउन आने का जो पहला चरण है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। यात्रा बड़ी आनंदमय रही, बड़ी खुशमय रही, खुशी खुशी पूरी यात्रा हुई। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन टू क्रूमैन। देयर, देयर माने वहाँ। देयर की स्पेलिंग देखिए, T H E R E, देयर मतलब वहाँ, वहाँ। बिफोर हेडिंग ईस्ट, टू हेड मतलब आगे बढ़ना। लेट अस हेड टू अवर स्कूल, चलो अब स्कूल की ओर बढ़ें। आई एम हेडिंग टूवर्ड्स विक्ट्री, मैं विजय की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। इंडियन क्रिकेट टीम इज हेडिंग टूवर्ड्स विक्ट्री, भारत की क्रिकेट टीम विजय की ओर बढ़ रही है। सो टू हेड मतलब आगे बढ़ना। सो बिफोर हेडिंग ईस्ट, पूर्व में जाने के पहले, यानी केप टाउन आए पश्चिमी अफ्रीका से और अब पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। पूर्व यानी नक्शे में आपको याद होगा मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र कहलाएगा। तो अब हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ, उस दिशा की ओर बढ़ चले। पर वहाँ जाने से पहले हमने क्या किया? बिफोर वी टुक ऑन टू क्रू मैन, जहाज में काम के लिए, जहाज की काम के लिए हमने 2 और लोगों को ले लिया। कहाँ? केप टाउन में। इसका मतलब प्लायमाउथ से केप टाउन तक की जो लंबी यात्रा थी, बड़ी खुशनुमा गुजरी। उस यात्रा में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। उस यात्रा में वे लोग केवल 4 ही लोग थे, उनकी मदद के लिए और कोई नहीं था। और वो 4 लोगों में कौन थे? एक स्वयं नैरेटर जो 37 साल का था, एक उसकी पत्नी मैरी, एक उसका बेटा जो 6 साल का था जोनाथन, और एक उसकी बेटी सुजाने जो 7 साल की थी। इतनी लंबी यात्रा में मात्र ये 4 लोग थे, लेकिन केप टाउन में उन्होंने 2 और लोगों को लिया। वे लोग कौन थे? जहाजी यात्रा के अनुभवी लोग थे, जहाज में यात्रा करते थे, 2 क्रूमैन। उनका नाम क्या था? एक था अमेरिकन, मैंने बताया आपको पूर्व में, एक अमेरिकन था जिसका नाम था लैरी विजिल, और दूसरा स्विट्जरलैंड का था, उसका नाम था हर्ब सीगलर। लैरी विजिल और हर्ब सीगलर नाम के 2 लोगों को हमने केप टाउन से साथ लिया पूर्व की ओर बढ़ने से पहले, पूर्व दिशा की ओर बढ़ने से पहले। और किस लिए लिया? क्योंकि वहाँ ज़रूरत थी। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज, ताकि हमें ये लोग मदद करें। टैकल करना मतलब हल करना, टैकल करना मतलब हल करना, फुटबॉल में होती है टैकलिंग। टैकल करना मतलब रास्ता निकालना। फुटबॉल में खिलाड़ी लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को टैकल करते हैं, और ऐसा करते हुए रास्ता निकालते हैं। यू हैव टैकल दिस प्रॉब्लम वेल, तुमने इस समस्या का बड़ा अच्छा समाधान निकाला है। टैकल करना यानी समाधान निकालना। तो ये 2 लोग क्यों ले गए थे? टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज, दुनिया के सबसे रफ सीज, रफ समुद्र में से एक समुद्र जो था, जो यहाँ पर था,
उस वहाँ पे आने वाली समस्याओं के हल के लिए इन दो को ले लिया गया। इसका मतलब ये भी हुआ कि अब ये लोग बहुत कठिन, इनका जो दूसरा चरण था यात्रा का, वो बड़ा कठिन होने वाला था और इनको मालूम था, क्योंकि उन्होंने तो 16 वर्षों से सपना देखा था और तैयारी की थी और इस प्रकार नक्शे भी देखे होंगे, अनुभव भी सुने होंगे, अनुभव भी लोगों से लिए होंगे और उनको मालूम था कि केप टाउन के आगे पूर्व में बढ़ने पर समुद्र बहुत उतावला हो जाता है, समुद्र बहुत तूफानी हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है वहाँ का मौसम। और इसीलिए उन्होंने केप टाउन से दो लोगों को लिया, जिसमें एक अमेरिकन था और एक स्विस था। और ये समुद्र जो था वो कौन सा था? नक्शों का जिक्र करते समय मैंने आपको बताया था हिंद महासागर का दक्षिणी हिस्सा, जहाँ फिर आप देख सकते हैं हिंद महासागर का दक्षिणी हिस्सा, जिसे हम कह सकते हैं सदर्न इंडियन ओशन। ओशन माने क्या होता है? ओशन और सी में क्या अंतर है? ओशन यानी महासागर, उच्चारण देखिए OCEAN, ओशन यानी महासागर। सदर्न मतलब दक्षिण का, साउथ से बना सदर्न, सदर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर। वह दुनिया में अपने रफ वेदर के लिए बदनाम है वो क्षेत्र। और नरेटर को ये मालूम था कि यहाँ का मौसम बहुत ख़राब रहता है, यहाँ का समुद्री व्यवहार, समुद्र का व्यवहार बड़ा ख़राब रहता है, तो इसलिए उसने अपनी मदद के लिए दो लोगों को ले लिया। इस प्रकार अब केप टाउन से यात्रा शुरू होती है, ठीक, दो अतिरिक्त लोगों के साथ। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल। एनकाउंटर मतलब सामना करना, टू एनकाउंटर माने सामना करना। आई एनकाउंटर्ड ए प्रॉब्लम ऑन माई वे होम, घर जाते हुए मैंने अपने स्कूटर में एक प्रॉब्लम देखा। आई एनकाउंटर्ड ए प्रॉब्लम इन माई स्कूटर ऑन माई वे होम, घर जाते हुए मैंने अपने स्कूटर में एक समस्या देखी, समस्या का सामना किया। तो एनकाउंटर करना यानी सामना करना। और उसके बाद गेल मतलब बहुत तीव्र हवा, हवा की चाल को लेकर भी अलग 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 अंग्रेजी में शब्द हैं, हिंदी में भी हैं, तूफान, टाइफून, गेल, स्ट्रॉन्ग विंड, ब्रीज और ऐसे कई शब्द। ये सब हवा की स्पीड को लेकर, हवा के व्यवहार को लेकर अलग अलग शब्द हैं। गेल एक शब्द है, गेल मतलब तेज हवा, स्ट्रॉन्ग गेल तेज हवाओं के झपार। कम ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल। केप टाउन से निकले हमें एक दिन हुआ था कि दूसरे दिन से पूर्व की तरफ हम जब बढ़ रहे थे तो हमें रास्ते में किसका सामना करना पड़ा? बहुत तीव्र हवाओं का, बहुत तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूअसली, अगले कुछ सप्ताह तक ये हवाएं बड़ी तेज चलती रहीं। ब्लू, टू ब्लो मतलब बहना, ब्लो ब्लू ब्लोन, ब्लू मतलब बहा, पास्ट टेंस हो गया। तो दे ब्लू कंटिन्यू, लगातार ये हवाएं अगले कुछ सप्ताह तक चलती रही। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, वीक माने सप्ताह, यहाँ वीक की स्पेलिंग देखिए, सप्ताह में वीक की स्पेलिंग क्या है? WEEK, और कमजोर के लिए क्या शब्द होता है? WEAK, क्या शब्द होता है? WEAK, वीक। दे ब्लू कंटिन्यूअसली, लगातार बही। गेल डिड नॉट वरी मी, ये जो तेज हवाएं चल रही थी इससे मुझे कोई चिंता नहीं हुई, इस ये कोई मेरी चिंता का कारण नहीं बनी। बट द साइज ऑफ द वेव वॉज अलार्मिंग, अलार्मिंग मतलब भयानक, खतरनाक, अलार्म से बना है। अलार्म का एक अर्थ आप जानते हैं, घड़ी का अलार्म, अलार्म का एक अर्थ जानते हैं, संकेत होता है, अलार्म मतलब संकेत। घड़ी में भी अलार्म होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? संकेत देना कि अब इतना बजा है।
उस संकेत के लिए आप घड़ी में क्या लगाते हैं? अलार्म लगाते हैं। पर यहाँ अलार्मिंग का मतलब होता है खतरनाक। His the accident was very alarming. It was an alarming news, जिसने हमारे लिए बहुत घबराहट पैदा कर दी। Alarming news. Death of so and so is very alarming. तो alarming का यहाँ अर्थ हुआ, the size of the wave was alarming. जो वेव थी, तरंगे जो आ रही थी, वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक था। मुझे हवा से डर नहीं था। गेल डिड नॉट वरी मी। टू वरी माने चिंता करना, डर लगना, चिंता करना। गेल्स ने मेरे गेल्स जो हैं, तेज हवाएं मेरे लिए चिंता का कारण नहीं थी। उसका तो हल मैं जानता था, निपटारा कर सकता था। मेरे लिए चिंता क्या थी? जो बड़ी बड़ी तरंगे आ रही थी, साइज ऑफ द वेव अप टू 15 meters, 15 मीटर ऊंचाई, यानी करीब 45 फीट ऊंची लहरें, जो तरंगे ऊपर उठ रही थीं, एज हाई एज एज द मेन मास्ट। अब ये मास्ट क्या है? मास्ट यानि मस्तूल। आप देखिए, जहाज है या बोट है, बोट में एक सीधा डंडा होता है, उस डंडे में पाल लगा होता है, कपड़ा। तो जो ऊंचा डंडा होता है उसे मास्ट कहते हैं, सबसे ऊंचा डंडा। तो ये ऊंचे डंडे की ऊंचाई के लगभग थे। मास्ट की जो ऊंचाई थी, जिसमें पाल लगा रहता है, उतनी ऊंची तरंगे आ रही थी, वो मेरे लिए ज़्यादा चिंता का कारण बन गए। द वेव वॉज अलार्म, द साइज ऑफ द वेव वॉज अलार्मिंग अप टू 15 meters, एज हाई एज मेन मास्ट। मुख्य जो खंभा था, मुख्य जो पोल था, जिसे मस्तूल भी कह सकते हैं, उतनी ऊंचे थे। December 25 फाउंड अस 3,500 kilometers ईस्ट ऑफ केप टाउन। केप टाउन से रवाना होने के दूसरे दिन से तेज हवाएं चली। कुछ सप्ताह तक यही चला, लेकिन कोई ऐसी समस्या नहीं हुई। लेकिन जो ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी, उनसे समस्या हो रही थी, वो चिंता का कारण बन रही थी। और अब हम केप टाउन से 3,500 किलोमीटर आगे बढ़ गए थे। कितने किलोमीटर? 3,500 किलोमीटर आगे बढ़ गए थे। और किस तारीख को? 25 दिसंबर। देखिए, जुलाई 76 में यात्रा शुरू हुई थी, जुलाई 1976, और अब दिसंबर आ रहा है, यानी लगभग 6 माह पूरे हो रहे हैं। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ क्रिसमस ट्री। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ ए क्रिसमस ट्री। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, एट्रोशियस मतलब खतरनाक। एट्रोशियस वेदर, योर बिहेवियर इज एट्रोशियस। ही टॉक्ड टू मी एट्रोशियसली। एट्रोशियस मतलब खतरनाक, बहुत बुरी तरह, बहुत गलत तरीके से। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, वेदर मतलब मौसम, WEATHER, देखिए स्पेलिंग, WEATHER, वेदर। बहुत खराब मौसम होने के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे, हमारी छुट्टियां बड़ी अच्छी गुजरी, वंडरफुल, कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। और हमने क्रिसमस, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? क्रिसमस का दिन। तो उस दिन हमने क्रिसमस ट्री भी लगाया, कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। क्रिसमस की स्पेलिंग देखिए, CHRIST, क्राइस्ट, और MAS, क्रिसमस ट्री से हमारा ये जो छुट्टी का दौर था वो पूरा हुआ। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ देखिए, न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट,
इसमें न्यू ईयर्स में ईयर के बाद एक एपोस्ट्रॉफी लगा है, जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया है। यहाँ एपोस्ट्रॉफी का क्या अर्थ हुआ? यहाँ एपोस्ट्रॉफी का अर्थ है का के की। वर्ष का, न्यू ईयर्स डे, वर्ष का नया वर्ष, न्यू ईयर्स डे। यहाँ देखिए एपोस्ट्रॉफी का क्या अर्थ है का के की। और पहले जो शीर्षक में वी आर के लिए एपोस्ट्रॉफी लगा था, वहाँ पे का के की अर्थ नहीं है। वहाँ पे क्या अर्थ था? वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का अर्थ था एक अक्षर के स्थान पर वो चिन्ह लगा दिया गया, और वो अक्षर कौन था? वी आर में ए को हटाकर वो चिन्ह। तो इस प्रकार एपोस्ट्रॉफी का हमने दूसरा उपयोग अब यहाँ सीख रहे हैं। दूसरा कि यहाँ पर लिखा है न्यू ईयर डे सॉ अस सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, मौसम में कोई बदलाव नहीं आया। न्यू ईयर डे मतलब 1 जनवरी 1977 हो गया होगा, 25 दिसंबर से छुट्टियाँ मनाई, क्रिसमस का आनंद लिया, क्रिसमस ट्री लगाया, और 1 जनवरी को भी मौसम में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन हमने एक तरीके से तर्क लगाया, सोचा, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। चेंज मतलब बदलना, सून मैंने जल्दी, रीजन मतलब क्या होता है? रीजन मतलब कारण, और रीजन आउट मतलब एक वर्ब हो गया, टू रीजन आउट मतलब तर्क करना, कारण निकालना। सभी संभावनाओं को देखकर एक कारण निकालना, तर्क करना, सभी संभावनाओं को टटोलना, उसे कहते हैं रीजन आउट करना। कुछ भी कार्य करना हो तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये जो सोच है इसको हम क्या बोलेंगे? यू आर रीजनिंग आउट। तुम कारण सोच रहे हो कि क्या सही होगा। You are trying to reason out what would be best. I am trying to reason out what is most correct. मैं सोचने का, तर्क लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे सही क्या होगा। तो reason out का अर्थ ये है। तो यहाँ पर narrator क्या कहता है? मौसम में कोई बदलाव नहीं आया था, यानी और खराब ही था, खराब ही था, कोई बदलाव नहीं आया था। But we reasoned out that it had to change soon. लेकिन हमने तर्क लगाया अपने अध्ययन के बल पर, अपनी सोच के बल पर, अपने अनुभव के बल पर, हमें ऐसा लगा कि अब मौसम बदलेगा ज़रूर, ऐसे ही नहीं रहेगा। जिसमें तेज़ हवाएं चल रही हों, ऊंची ऊंची लहरें चल रही हों, ऐसा नहीं रहेगा। इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज, और मौसम बदला भी। क्या हुआ? हमने तो अंदाज लगाया, हमने तो ये तर्क लगाया कि मौसम बदलेगा, ऐसे ही कठोर, ऐसे ही तेज़ हवा और तेज़ ऊंची लहरों वाला नहीं रहेगा, और मौसम बदला भी, बट फॉर द वर्स। वर्स मतलब बुरा, बैड, वर्स, वर्स, वर्स माने बुरा। लेकिन मौसम और बुरा हो गया। कितने बढ़िया तरीके से नैरेटर ने कहा है या ऑथर ने लिखा है कहानी में कि हमने अंदाज लगाया कि मौसम बदलेगा, उतना बुरा नहीं रहेगा, और मौसम बदला भी है, लेकिन और बेकार हो गया, मौसम और बदतर हो गया, मौसम और भयावह हो गया, एंड इट चेंज फॉर द वर्स, राइट।